हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एडवेंचर राइस गाइज। मुझे ऐसा है कि आप अच्छे और मस्त व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है, हम लोग बलिया से बनारस, बलिया से कानपुर जा रहे हैं। तो बदल रहे ब्लॉग में हम लोग जाएंगे, तो आपको पूरा टूर कराऊंगा कानपुर का। तो तब तक मिलते हैं आपको ब्लॉग में। अभी अभी हम लोग घर पे हैं, घर से जाएंगे कानपुर। तो अच्छा लग रहा है और मुझे कि खुशी हो रही है कि जा रहा हूँ कानपुर, क्योंकि बहुत दिनों से घूमना घूमा नहीं था, निकला था नहीं था कहीं पे। तो अब जा रहा हूँ, फाइनली जा रहा हूँ घर से कानपुर। दूरी बहुत लंबी दूरी है, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है टूर, कैसा टूर नहीं रहता है, आपको आपको सब बताएंगे। तो अभी नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में भी जाना पड़ रहा है। नवरात्रि का सातवां दिन है आज, तो सप्तमी आज नवरात्रि में, नवरात्र में सप्तमी सप्तमी है, तो उसके बाद इसी नवरात्रि में भी जाना पड़ रहा है पे राजचटी पे बलिया जाने के लिए। बलिया के बाद फिर गांव पर जाएंगे। तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बलिया जाने वाली गाड़ी का। तो आप देख सकते हैं रात को नाइट व्यू ऐसा है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, डार्क डार्क दिख रहा होगा। तो बलिया के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कोई तो गाड़ी मिल जाओ। बलिया का नाइट व्यू आप देख सकते हैं, बलिया रात में कैसा दिखता है, बहुत खूबसूरत सीन, बहुत खूबसूरत दिखता है बलिया नाइट नाइट शॉप्स। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तो गाइज फाइनली बलिया पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। हमारी ट्रेन उत्सर्ग एक्सप्रेस है जो बलिया से कानपुर के लिए जाएगी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेशन पे। तो आप जो पीछे देख रहे हैं बलिया मोहा बाग है, मोहा रोड है, और आगे हम आगे स्टेशन है। तो चल रहा हूँ स्टेशन पे। तो ये रहा बलिया स्टेशन, अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, हम लोग ट्रेन का वेट करेंगे। अभी जा रहे हैं स्टेशन के उस तरफ, जो उस तरफ दिख रहा है उस तरफ जाएंगे, बैठेंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद जाएंगे कानपुर। तो ट्रेन का अभी सूचना हुआ है कि अभी ट्रेन आ रही है, तो चलते हैं। ये रहा बलिया स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत प्यारा रात नाइट व्यू में, नाइट व्यू बहुत अच्छा है। तो गाइज इस सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे उस तरफ, टिकट काउंटर की तरफ जाएंगे इस सीढ़ियों से चढ़ के, और उसके बाद टिकट लेंगे, फिर जाएंगे कानपुर। इस सीढ़ी से चढ़ के उस तरफ जाना है हमें, उस तरफ ट्रेन के बाय आगे। तो तब तक ये सीढ़ी रहा है, ऐसा सीढ़ी है, इसमें चढ़ के जाना है उस तरफ। और नाइट के कुछ व्यू ऐसा दिखता है, और सूचना भी हो रहा है, सूचना हो रहा है ट्रेन का आने का, आगमन होने का, ट्रेन का सूचना हो रहा है। और ये जो पुल है बलिया स्टेशन के पास में है, तो बलिया स्टेशन पे हैं हम लोग। थोड़ी सी सांस चढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़कर आए हुए हूँ, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़कर आया हूँ, इसलिए सांस थोड़ी चढ़ गई है। पापा थोड़ा पीछे हो गए हैं, क्योंकि टिकट लेना है हमको, और थोड़ा वेट सामान लिए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी सामान लिए हैं, इसके लिए वजन हो चुका है। आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखते हैं, बहुत दिख रहे होंगे। बोलिए। तो गाइस सीट नीचे बैठ चुके हैं, तो आप लोगों से कुछ बात करना था, तो वही बात कर रहा हूँ। सडनली हमारा जो मशीन है तेल का, वो ख़राब हो गया है, तो ना ही बोलियम बना, ना ही मास्टी बना, उसको बनारस यहाँ कानपुर हम लेके जा रहे हैं। कानपुर में उसका नया पार्ट बदल के मिलेगा, उसके लिए हम लोग कानपुर जा रहे हैं। तो कानपुर अर्जेंट जाना हो गया हम लोग को। तो अभी मैं बलिया स्टेशन में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बलिया स्टेशन, ये बलिया स्टेशन है, कुछ ऐसा व्यू है स्टेशन का। तो गाइज ये रहा बलिया का स्टेशन, ये जो सामने ट्रेन खड़ी है मधुपुर एक्सप्रेस खड़ी है, और ये रहा बलिया का रात नाइट व्यू स्टेशन, यहाँ पे खड़ी है, ये स्टेशन है। तो अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, अभी उत्सर्ग आ रही है, जो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, सामने जो दिख रहा है इसी प्लेटफॉर्म पर, एक नंबर पर उत्सर्ग एक्सप्रेस आएगी, उसी से जाना है हमें कानपुर। तो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, मैं और पापा टिकट लेने के लिए गए हैं, तो हम पापा और मैं जा रहा हूँ कानपुर। तो ये रहा अपना, यहाँ रहा अपना बैग और सामान अपना जाने के लिए, तो हम लोग रेडी हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं दोनों लोग। ट्रेन जा रही है मेरे प्लेटफॉर्म रात को, और इस ट्रैक पे हमारी ट्रेन आएगी, जो ये ट्रैक है इस ट्रैक पर आएगी।
तो गाइस ये रहा उत्तर एक्सप्रेस, हम जो स्टेशन पे आ गया है, स्टेशन पे आ चुकी है अपनी उत्तर एक्सप्रेस, इसी से जाना है हम लोग। ट्रेन का फाइनली ट्रेन आ गई है स्टेशन पे, उसी ट्रेन से जाना है उत्तर एक्सप्रेस। ये ट्रेन है उत्तर एक्सप्रेस है। तो गाइस हमारी उत्तर एक्सप्रेस आ चुकी है स्टेशन पे, अब इसे स्टेशन से जाना है। तो उत्तर एक्सप्रेस ये गाड़ी है, इस गाड़ी से बलिया से कानपुर जा रहे हैं हम लोग। रात को आप लोग को दिख रहा होगा कौन सी ट्रेन है, उत्तर एक्सप्रेस ट्रेन है, उत्तर एक्सप्रेस जो लखनऊ के कानपुर जाएगी। कुछ ऐसा सीन है स्टेशन का, प्लेटफार्म का ऐसा दिख रहा है। तो गाइस फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो हम लोग चले अब बलिया से कानपुर। ये ट्रेन का कुछ ऐसा सीन है, आप देख सकते हैं राइट में, अब चल रहे कानपुर। अब पीछे गए हैं हम लोग, यहीं बैठा हूँ मैं, सीट मिल गया मुझे। अब यहाँ से लखनऊ के कानपुर, लखनऊ से कानपुर जाएंगे। तो भाई ट्रेन बहुत आराम से होते हुए जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ ट्रेन के बाहर का मुश्किल से है। ये रहा ट्रेन का व्यू, ट्रेन पूरी खाली है, आप देख सकते हैं इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, चार तरफ खाली खाली है, चार तरफ खाली खाली है, ट्रेन ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए हैं। इधर इधर पास होकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर भी लेट रहा हूँ। अभी रात हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे सुबह में कल। गुड नाइट। तो गाइस फाइनली कानपुर पहुंच चुके हैं, तो अब चल रहा हूँ कानपुर मार्केट में, तो आपको दिखाएंगे मार्केट यहाँ का कैसा है, कैसा रहते हैं लोग। तो कानपुर पहुंच चुके हैं गाइस, फाइनली कानपुर पहुंच चुके हैं गाइस। अब ये रिक्शा में बैठा हूँ, रिक्शा से जा रहा हूँ लक्ष्मी टूर। कब से ऐसा ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, जा रहा हूँ लक्ष्मी टूर में। तो आपको दिखाता हूँ कानपुर शहर कैसा है, ये रहा कानपुर शहर, कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा यहाँ का चौराहा, ये कानपुर का चौराहा है, यहाँ से जाएंगे हम लोग लास्ट रोड, वहाँ से अपना काम करके जाएंगे घर पे। हाँ बोल गए, जाओ बोल गए, फिर आप लक्ष्मी रोड आ जाओगे। तो गाइस हमें जहाँ पे काम पर था वहाँ पे आ चुके हैं सरदार जी की दुकान पे, तो यहाँ से अब लोग अपना काम कराएंगे फिर घर जाएंगे। ये वाला ये कुछ ऐसा दुकान है, आप देख सकते हैं, तो इस दुकान पर आए हुए हैं, यहाँ से जाएंगे फिर वापस। अभी ये दुकान 11 बजे खुलेगा, अभी खुला नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, तब तक वेट करेंगे, यहीं बैठ के वेट करेंगे दुकान खुलने का। और कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे सामने, कुछ ऐसा नजर आ रहा है सुबह सुबह का, सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाय जी यहाँ पे बैठ के दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ये ऐसा भी है बाहर का, तो दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कब तक दुकान खुलेगा और फिर अपना सामान लेकर फिर जाएंगे घर पे। तो कानपुर में वेट कर रहे हैं इस दुकान के सामने, सरदार जी की दुकान के सामने। काफ़ी धूप है, धूप में चल रहे हैं, धूप में कानपुर के सड़कों पे चल रहे हैं, और यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है, धूप में कानपुर में चल रहे हैं सड़कों पे, काफ़ी धूप हुआ है, सन मिल बहुत ज़्यादा है आई है और चल रहे हैं कानपुर में, कानपुर की सड़कों पर कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो भाई जी शोरूम पे आए थे, ये शोरूम है जहाँ पे हमारा मशीन का सामान पार्ट्स मिलेगा, इसी शोरूम पे आए थे खरीदने के लिए। इस साइड में आप देख सकते हैं कितना बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा हुआ है, इसी शोरूम पे आए थे हम अपना सामान लेने के लिए। पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं भी बैठा हूँ, बैठते हैं थोड़ी देर बाद लेकर सामान चलेंगे फिर घर पे। ये रहा शोरूम, होटल आए हुए हैं, खाने के लिए होटल आए हुए हैं, ये होटल है यहाँ पर, खाना खाने में
लंच का टाइम हो गया अभी, खाना खाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं ये होटल खाना गाड़ा हुआ है, बाद अगर हम खाते आएंगे। ये होटल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। मैं ये पापा साहब टीवी देख रहे हैं और हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे हयात होटल में। बैठे हैं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे फिर जाएंगे। ऐसा कुछ होटल है, खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना करके हुआ है लंच का टाइम में, खाना यूज कर रहे हैं। तो भाई ये रहा अपना थाली, खाएंगे और खा के फिर चलेंगे। ये अपना थाली आ गया है, चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो ये खाना आया हुआ है, देख सकते हैं चावल दाल पनीर सब्जी भरता सलाद पूरा सामान रखा हुआ है। खाते हैं फिर चलते हैं घर पे। तो गाइस खाना फिनिश कर चुका है, हम चलते हैं घर पे। खाना फिनिश करते हैं हम लोग, खाने के बाद अब चाय का टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा चाय से लिखते हैं फिर चलते हैं घर पे। तो गाइस ये कानपुर है, आप देख सकते हैं कानपुर कुछ ऐसा दिखता है। पहले जो सामान बनवाने के लिए आए थे वहाँ पे आए हैं, वो कानपुर है। कानपुर में आप कुछ भी हर चीज़ पॉसिबल है कानपुर में आने के लिए। कानपुर में आप चाहते हैं हर चीज़ पॉसिबल हो सकते हैं। ये रहा मशीन का सबसे बड़ा मार्केट, इसी मार्केट में हमारा सामान खरीद के लोग जा रहे हैं स्पेलर के लिए। स्पेलर का सामान खरीद के जा रहे हैं पर पे, हर सामान बाई कर लिया है। तो कानपुर की गलियों में गुजरते हुए चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद अब ट्रेन पकड़ेंगे। कानपुर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पीछे देख सकते हैं आगे के स्पेस थोड़ा पूरे पे चांद सन भी लग रहा है, थोड़ी आके चमक रही है। दो दिनों के बाद इस रिक्शा में बैठने का मौका मिला है गाइस। ये पैदल पैनल से मानने वाला रिक्शा है, ये बहुत दिनों के बाद बैठने का मौका मिला है। कानपुर में घूम रहे हैं, कानपुर गलियों में इस रिक्शा से पैनल वाले रिक्शे से घूम रहे हैं। ये मैं हूँ और इधर मेरे पापा बात कर रहे हैं। अरे यार मालिक का खलास किया होगा जा रहे हैं स्टेशन पे, कौन डाला से तरह के कानपुर सेंट्रल स्टेशन जा रहे हैं। आप देख सकते हैं शोरूम और होटल्स बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और इस तरफ होटल भी है, खाने वाला रेस्टोरेंट। और ये राजा स्थान लगा हुआ है लाइन का, और आगे ये मंदिर है, ये मंदिर है, और इधर बड़े बड़े होटल्स हैं शोरूम से, धर्मशाला है और सुलभ शौचालय है। तो चल रहे हैं, ये बड़े बड़े होटल्स, मजा आ रहे हैं गाइस जी रिक्शे पे बैठ के। ये मंदिर राम जी का, यहाँ राम जी और शंकर जी का मंदिर है। इस 7:30 समय गाइस जी रिक्शे से बहुत मजा आ रहा है घूमने में, स्लोली स्लोली चल रही है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Thank you.
गाइस ये कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं। अगर इसे कानपुर सेंट्रल आप सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो गाइस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कानपुर स्टेशन पर बैठे हुआ हूँ और ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। ट्रेन कब आएगी? सड़क एक्सप्रेस से आ रहा हूँ कानपुर टू गोलिया। हमारा जो काम नाकाम हो गया है, मैं और पापा इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन शाम को 5:40 पे है। दूसरी ट्रेन सड़क एक्सप्रेस से आ रहा हूँ कानपुर टू गोलिया और यहाँ पे स्टेशन पे बैठा हूँ मैं प्लेटफार्म पे बाहर साइड में और फ्री एरिया में। गाइज बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है मैन इज द फादर ऑफ हिज डेस्टिनी, तो ये सही लिखा हुआ है, ये तो करेक्ट है 100%। तो गाइज कानपुर स्टेशन के सामने ये कुछ ऐसा स्टेचू बना हुआ है, ये बाहर का नजारा है कानपुर स्टेशन के सामने के बाहर का नजारा है, ऐसा दिखता है कुछ। शाम को लोग आते आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ऐसा गंदगी, थोड़ा सा गंदगी यहाँ पे पानी स्प्रेड हुआ है तो थोड़ा सा। गाइस ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब कानपुर से बलिया आ रहे हैं, तो ये रहा ट्रेन कुछ भी। यहाँ बैठा हूँ गेट के सामने और हमारा जो सामान था सारा सामान हमने बाइक का खरीदारी कर लिया है कानपुर से, तो अब चल रहे हैं घर पे कानपुर से बलिया। तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे, अभी शाम को 6 बज रहे हैं चलते हैं। ट्रेन के बाहर ये कानपुर है, ये जो देख रहे हैं आप कानपुर है, कानपुर स्टेशन के सामने स्टेशन प्लेटफार्म पर बैठा हूँ ट्रेन के अंदर। तो गाइस बलिया पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, हमारी रात भी है बलिया। ट्रेन चलने के बाद हम बलिया पहुंच चुके हैं, बलिया से जाएंगे ऑटो पकड़ के गाँव अपने। तो गाइज बलिया पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ट्रेन रुकी हुई है, अब बलिया से जाएंगे घर अपने राजपुर। तो कुछ सुबह सुबह नजारा ये है, सुबह का 6 बज रहा है, अर्ली मॉर्निंग, कुछ नहीं दिखा रहा है पूरा। तो चल रहे अपने घर बलिया से राजपुर। ये रहा ट्रेन, ये रही अपनी ट्रेन से आए हम लोग। तो गाइज आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट ड्रॉप डाउन योर पिक्चर कमेंट। तब तक मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आशा है कि अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त रहें।